नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। लगातार मैं पंचायत के दौरे कर रहा हूं और बता दूं कि चुनावी सरगर्मियां कई महीनों से चल रही है और कई पंचायत में, कई वार्ड में, कई गांव में चुनाव हो चुका है, काउंटिंग हो चुका है। वहां के लोग जीत कर भी हौसला लेकर अपने पंचायत में उतर चुके हैं और कई कई नई चुनौती का सामना कर रहे हैं, कई लोग वादे कर रहे हैं। और मैं बात करूँगा आज मैं बौरिया क्षेत्र में, बौरिया प्रखंड के एक गांव में, एक पंचायत में आ चुका हूँ। उस पंचायत का नाम है पहले हदगाई पंचायत, और हदगाई पंचायत के एक टोला है, गांव है आलापुर गांव है, और यहाँ पे तमाम प्रत्याशी भी उठे हुए हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग से वादा करवा रहे हैं, कर रहे हैं कि हमें इस बार जीतना है और पंचायत का विकास करना है। हर कोई अपना अपना मुद्दा लेकर पंचायत में उतरा हुआ है। यहाँ के नए प्रत्याशी, पुराने प्रत्याशी, सब कोई अपने आप को दावेदार के रूप में सम्मिलित कर रहा है, और हम लोग, हमारी टीम लगातार पंचायत के दौरा कर रही है। जैसे कि कल परसों की बात करूंगा कि मैं कल के दसी पंचायत में भ्रमण कर रहा हूं, पकड़ी पंचायत में, लकड़ी पंचायत में, तमाम ऐसे पंचायत है इस बड़े क्षेत्र में जहां मैं लगातार दौरा कर रहा हूं, हमारी टीम भी दौरा कर रही है। इसी बीच आज मैं पहुँच चुका हूँ, आज है गुरुवार और आज 28 अक्टूबर है। इस पंचायत का, इस क्षेत्र का 3 नवम्बर को चुनाव होने जा रहा है। यहाँ मतलब वोटिंग गिरेगा, हर पंचायत में लोग जाकर वोटिंग करेंगे। सबसे अपील है कि आप लोग वोटिंग करिए, किसी को भी करिए लेकिन करिए। अभी हमें आलापुर पंचायत, आलापुर गांव में हूँ और हदगाई पंचायत में हूँ। यहाँ पे तमाम जनता जुड़ी है और एक भावी मुख्य प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं, जिनका नाम है जावेद खां उर्फ चंदू बाबू, लोग प्यार से, मोहब्बत से चंदू बाबू कहते हैं। ये भी चुनाव लड़ रहे हैं मुख्य पद से, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं हदगाई पंचायत से, और इनका भी बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारा प्लान है और योजना भी बहुत सारा है, और इनको हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएँ हो कि आप चुनाव लड़ रहे हैं मुख्य पद से, युवा भी लग रहे हैं और लोगों का बुजुर्ग जैसे आप समर्थन देख रहे हो कि आप घूम रहे हैं, तो सबका समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले अपने बारे में क्या कहिएगा आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस हदगाई पंचायत के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपके टीम को भी बहुत बहुत सारा धन्यवाद है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले भी लड़ चुके हैं जी मुख्य पद से जी, ये दूसरी बार चुनाव, दूसरी बार है। चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहा आपके पंचायत में? सबसे बड़ा उद्देश्य सर, आज के समय में रोड का कोई व्यवस्था नहीं है, रोड का कोई व्यवस्था नहीं है जी, हाँ। रोड का व्यवस्था नहीं है यहाँ, एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है, हाँ। शिक्षा का कोई स्तर नहीं है यहाँ, हाँ। शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, जो मूल रूप से हम लोगों के लिए बिजली, सड़क और शिक्षा का व्यवस्था। तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मतलब 5 साल में यहाँ में जो मुखिया थे उनसे आप खुश नहीं हैं जी? उनके कार्यकाल से खुश नहीं है, जिस तरह इस पंचायत का विकास होना चाहिए उस तरह इस पंचायत का विकास हुआ नहीं है। हमने गांव पंचायत में भ्रमण किया तो लोग बोल रहे हैं कि पंचायत में काम हुआ है, कुछ जगह तो काम होना है इसलिए कि वो बिहार सरकार का आदेश है, लेकिन जो जरूरी काम है, जरूरी वो काम है तो इस पंचायत में नहीं हुआ है, जिसमें आप बहुत सारे वार्ड में नल जल का व्यवस्था है तो नल है, जल नहीं है। नल है, जल नहीं है जी? कैसे मतलब नल है, जल नहीं है? नल है लेकिन जल नहीं है, ठीक है। कहीं भी आप देख सकते हैं इस पंचायत में भ्रमण करके, कहीं कहीं ऐसा ऐसा वार्ड है कि उस जगह पे आज तक नल जल का योजना गया नहीं है इस पंचायत में। मतलब इस पंचायत में कहीं कहीं ऐसा जगह है, कई ऐसे वार्ड है जहाँ पे नल का व्यवस्था नहीं है? नहीं है, अभी तक वहाँ पाइपलाइन नहीं गया। आपका पंचायत हदगाई पंचायत है? हदगाई पंचायत में कितने गांव है, कितने वार्ड है? हदगाई पंचायत में 5 गांव है, 13 वार्ड है, जिसमें पकोलिया, पिपराही, लौवान, हदगाई, आलापुर, ये 5 गांव। तो आपका मुद्दा क्या रहा है? हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा है, शिक्षा का स्तर अच्छा हो ये मुद्दा है, और रोड बने जिससे सारे लोगों को सुविधा हो आने जाने। चलिए बात करते हैं कुछ जनता से, और जनता जुड़ी है, आप देख सकते हैं कि काफी प्रत्याशी का गाड़ी यहाँ घूम रहा है, और हम बात कर रहे थे जावेद खां और चंदू बाबू से। अभी मैं फिर से बात करूंगा आपसे, पहले मैं जनता से बात कर लूँ कि यहाँ पे क्या विकास हुआ है 5 साल में, 5 साल में क्या विकास हुआ है? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, आपको जगह ही नहीं दे रहा है, रास्ता घाट ऐसे टूटा फटा है, काम नहीं हुआ है पंचायत में। चलिए और बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग क्या कहेंगे पंचायत में 5 साल में क्या बलवा थे? बाबू नहीं है सुना,
अभी पंचायत के बारे में कुछ कहें, पंचायत के बारे में, रोड के बारे में क्या कहिएगा, पंचायत के बारे में क्या कहिए, पाँच साल में क्या विकास हुआ है, आपका नाम क्या हुआ है? सुभाष शर्मा। वोट देंगे किसी को भी? हाँ। वोट तो देंगे ना, किसी को तो देंगे, इसी गांव के निवासी है ना, क्या उम्मीद करते हैं जनता? अब विकास क्या होना चाहिए? हाँ, विकास, रोड चाहिए, नल पानी चाहिए, लोगों का लैट्रिन बाथरूम चाहिए। आप क्या कहते हैं? घर चाहिए। घर चाहिए आपको? घर चाहिए आपको? लैट्रिन बाथरूम चाहिए आपको? घर चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आपका नाम क्या हुआ? नाम राजकिशोर सिंह। राजकिशोर सिंह जी, पंचायत में शौचालय घर में आप क्या? शौचालय लेकर आए थे? बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं बाहर? क्या प्रॉब्लम है, समस्या है? कहाँ जाएंगे? समस्या तभी जाते हैं ना, शौक से नहीं जाते हैं ना। तो लगता है कि इस बार जितने प्रत्याशी उठे हुए हैं उनसे डिमांड करते हैं कि आप लोग उठ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ काम करें, ऐसे कहते हैं आप? हाँ, सब सभी चाहता है, हम क्या चाहते हैं? क्या कहेंगे आप? आप गाँव के निवासी हैं, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं क्या बोलूँ? आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद समीर। आप चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं किसी को सपोर्ट कर रहे हैं? चंदू बाबू को ही सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। चंदू बाबू को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। जी, पुराने को हम लोग बहुत देख चुके हैं, देख चुके हैं। इस बार चंदू बाबू को देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जी, कैसे देखेंगे? वोट दे के ही देखेंगे ना, जिताएंगे फिर देखेंगे, जिताएंगे देखेंगे। जी, चलिए और भी आलोग जुड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे आप लोग, क्या पंचायत में विकास चाहते हैं? विकास तो सबसे मेन मुद्दा है हमारा रोड। रोड? हाँ, ये वाला। तो रोड बना नहीं बना? रोड कहाँ बना, गाँव रोड ढल गया है, जो मेन रोड है ये हमारा। गाँव रोड ढल गया, मेन रोड नहीं? हाँ, मेन रोड नहीं ढला है, इसमें जो है इतना बरसात में पानी लग जाता है, बहुत मुश्किल से ये नाला है, इस पे आदमी जाता है। चलिए, आप क्या कहेंगे, युवा है, क्या कुछ कहेंगे पंचायत को लेकर? पंचायत को लेकर सबसे पहले मुद्दा उठाएंगे यहाँ का रोड और नाले के लिए, और यहाँ जो जल नल की जो प्रॉब्लम थी, हम लोग का जो वार्ड था पिछले बार, हम लोग के मोहल्ले के तरफ वार्ड जो नल जल की था, तो जैसे उनसे हम लोग कई बार अपील भी किए कि हम लोग के तरफ पानी नहीं जा रहा है, उनके पास कई बार हम लोग सब गांव मोहल्ले के लोग मिलकर गए, उनके कोई सुनवाई नहीं है ना, और किसी प्रत्याशी से हमको कोई माने विकास हुआ ना मिला। अभी एक प्रत्याशी घूम रहे हैं यहाँ पे, चंदू बाबू जी, जिसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, इनके बारे में क्या कहिएगा? चावेद खान नाम है इनका, चंदू बाबू नाम है। इनको हम लोग इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को हम लोग सपोर्ट करके परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन का पहला नाम ही क्रांति होता है, ठीक है? तो हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन करके इनसे उम्मीद रखे हुए हैं जीते और हम लोग की समस्या को हल करें। चलिए, धन्यवाद। चलिए, बात करते हैं, अभी जो प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बात कर रहे थे, फिर मैं उनसे अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि आप दूसरी बार लड़े, जैसे अभी जनता से मैंने बात किया, जनता ने सब कुछ कहा, आप क्या कहेंगे, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि इन्हीं से हम लोग का आशा है कि इनको हम लोग अपना मतदान देकर इनको विजयी बनाएंगे, और जो भी हम लोग की समस्या है इनके इनके समक्ष रखेंगे और ये अपना अपना। चलिए, बात करते हैं आपसे, जिस तरह से जनता से मैंने बात किया, जनता ने सभी अपना अपना बातें विचार की व्यक्त किया, कोई कह रहा है कि हमको घर चाहिए, कोई कह रहा है नाला चाहिए, कोई रोड चाहिए, हम लोग आपसे बोले कोई विकास नहीं हुआ, क्या कुछ कहेंगे? बात करते हैं, दोबारा से इनका स्वागत करते हैं, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से मैंने ग्रामीण नेता से बात की, सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा, सब चाहते हैं कि इस पंचायत में विकास हो। अभी ने जिसने कहा कि भाई मुझे रोड का कमी है, किसी ने कहा कि घर का कमी है, किसी ने कहा इंदिरा आवास नहीं है, तो कोई नाला की कमी है, तमाम ऐसे मुद्दे पंचायत में मिल रही है। आप प्रत्याशी होने के नाते क्या कुछ कहिएगा? हम प्रत्याशी होने के नाते यही कहेंगे कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं और जो बिहार सरकार और भारत सरकार के जो योजनाओं में आते हैं उसको धरातल तक नहीं पहुंचाया जाता है, जिससे लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, जैसे जिसको इंदिरा आवास जो लाभुक है उसको इंदिरा आवास नहीं मिल पाता है, जिसको राशन कार्ड चाहिए उसको राशन कार्ड नहीं मिल पाता है, जहाँ नाले का व्यवस्था होना चाहिए नाले का व्यवस्था हो नहीं पाता है, जिस गाँव में रोड चाहिए उस गाँव में रोड का व्यवस्था हो नहीं पाता है। हम उम्मीद और हम अपने जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर हम चुनाव में जीत गए तो ये सारे मुद्दा को हम बहुत ऊपर तक ले जाकर सबका निवारण कर सकते हैं। यानी क्या हम करेंगे? जी, मुद्दा क्या रहा आपका पंचायत का, चुनाव जीतने का? चुनाव जीतने का मुद्दा है विकास, शिक्षा और एम्बुलेंस। आपने अपने पोस्टर में लिखवाया आप शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, योगदार हैं और अनुभवी हैं, और सबसे पहले बात है कि आप लोगों के साथ घूम मिल कर आते हैं। जी, हम जी ये सारे बात सत्य है, और हम सब सब लोगों के साथ एकजुट रहकर एक साथ रहकर हम इस
हम यहाँ नेता बनकर नहीं, यहाँ बेटा बनकर यहाँ का। आप नेता बनकर नहीं बेटा बनकर रहना चाहते हैं, ये आपने हैशटैग दिया है। अच्छा, तो पंचायत के वासियों के लिए क्या कुछ कहिएगा? पूरे पंचायत के, हथगाई पंचायत के वासियों के लिए क्या कुछ कहिएगा? हथगाई पंचायत के सभी वासियों के लिए मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे युवा शिक्षित उम्मीदवार को चुने और अपना। आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त है इस बार? हम जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। तो लोग भी काम करेंगे आप? जी लोग। मतलब अच्छा ये बताइए कि आप प्रत्याशी होने के नाते इसके अलावा कुछ समाज सेवी भी अपने आप को मानते हैं? जी जी। जैसे मैं पूछूंगा कि आप कोरोना काल महामारी में चाहे और कभी परिस्थितियाँ ऐसी विपरीत हुई जो गाँव की समस्या को आपने देखा है, सोचा है, समझा है और लोगों के साथ रहा है? जी, कोरोना काल में हम बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिसको हम अपने स्तर से मदद तक उस लाभान्वित किए हैं। यानी जनता के बीच रहे हैं आप? जी, जनता के बीच रहे हैं हम। यहाँ दिनों रात जनता के सेवा में लगे रहते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। चलिए धन्यवाद, पूरा अपना परिचय। आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है? जी, कलम दवात है। कलम और दवात, चलिए बात करते हैं, कलम और दवात मिला है, इसके पीछे कुछ कोई राज बताइएगा? जी जी, इसके पीछे राज वही है कि भगवान की मर्जी है और उस मर्जी से हमको कलम दवात चुनाव चिन्ह मिला है, जो इस पंचायत का भाग्य उस कलम दवात के माध्यम से। यानी कि ऊपर वाले की देन से आपको खुदा से, भगवान से, ईश्वर से एक शिक्षा के मामले में मिला है कलम और दवात, जो कि एक मतलब एक इस ये बहुत बड़ा चीज़ है हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में, पूरे जीवन की लाइफ में एक कहीं इंपॉर्टेंट लगता है कलम और दवात। तो ये जो शिक्षा का मतलब सिंबल मिला हुआ आपको, तो लगता है कि आप जितने के बाद से पंचायत का बेहतर दिशा में एक शिक्षा के माहौल को ले जाएंगे? जी जी जी, जीतने के बाद सबसे पहले मेरा प्राथमिकता होगा इस पंचायत में शिक्षा का अच्छे से व्यवस्था करना, रोड का व्यवस्था करना और यहाँ चिकित्सक के लिए एक चिकित्सकालय, एम्बुलेंस व्यवस्था करना, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था करना। पंचायत भवन है, इसमें स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन चलता नहीं है। जी, जिससे उद्देश्य बहुत बड़ा है पंचायत को लेकर। जी जी, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू साथियों। साथियों देखेंगे बात की ग्राम पंचायत हथगाई पंचायत में बात कर रहा था और गांव है अलापुर, यहां पे तमाम प्रत्याशी से मैंने बात कर रहा हूं। जैसे कि अभी मैं बात किया हूं जावेद खां उर्फ चंडू बाबू जी, जो इस बार दूसरी बार मुखिया पद से चुनाव लड़ने वाले हैं और जनता से भी मिलमत किया, जनता भी इस बार कई अपने विचारधारा को व्यक्त की। जैसे जनता कह रही है कि इस बार मुझे रोड चाहिए, नाला चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो और सबसे बड़ा समस्या थी इधर तरक्की में नहीं, ये जो समस्या था मैं देख रहा हूँ, ये जो रोड का समस्या था दूर से देख सकते हैं कि जो रोड था इसमें बरसात के दिन में पानी लगता है ना, यहाँ पानी लगता है, यहाँ पे रोड ऊँचा, रोड खाल है, नाला ऊँचा है, तो अब पानी जो समस्या है जो नाला में जाना चाहिए जाता है कि नहीं जाता है, तो लोगों की समस्या यहाँ पे मतलब है दिखता है कि यहाँ पे कम से कम पीसीसी हो जाना चाहता है लेकिन पीसीसी अभी नहीं हुआ है। गवाई में तो हुआ है लेकिन ये मेन जो रोड है और ये लहुआन जाएगा, गांव लहुआन जाएगा और ये आलापुर है और हथगाई पंचायत है। तो हथगाई पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं? एक हथगाई पंचायत है, लहुआन है, लहुआन है, पकवलिया है, पिपराही है, आलापुर है, सभी पंचायत दौरा कर रहे हैं? जी, सभी पंचायत। उम्मीद है अभी गांव में दौरा कर, सभी गांव में? जी उम्मीद है। नल जल का व्यवस्था कैसा रहा? वो भी नल जल का व्यवस्था ये बिहार सरकार का एक समझ लीजिए कि बहुत ही खराब योजना है जिसमें नल है लेकिन जल नहीं। तो साथियों देखिए बात की ग्राम पंचायत हथगाई के सभी जनता से मैंने बात किया और यहाँ पे भावी मुख्य प्रत्याशी जो खड़ा हुए हैं जावेद खान उर्फ चन्नू बाबू से मैंने बात किया, ये अपना भी विचारधारा व्यक्त किए और अपना 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 विचारधारा व्यक्त करके लोग सामने आ रहे हैं और चुनाव जीतने का प्रयास में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि जितने बस क्या मुद्दे पे काम करेंगे और किस तरह से काम करेंगे। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं कैमरे के साथ मैं मंजीत कुमार, जय हिंद जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।